और दिग्गी राजा के लिए तो काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि दिग्गी राजा ही वो नेता हैं जिन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस में वो जगह वो इस्तकबाल दिलवाया जिसके वो शायद हकदार नहीं थे। कभी प्रियंका गांधी के खास समझे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन, कभी राहुल गांधी के खास समझे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन, कभी जो थे राजा दिग्गी के खास समझे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिनको जीवनी और जिनके बारे में कांग्रेस में बड़ी कथाएं जो हैं व्यक्त है। वही आचार्य कृष्णन जब कुछ ऐसी बात कह देते हैं ट्विटर पर तो वो विवाद का विषय बन जाती है, मीडिया की सुर्खियां ना बने लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो सुर्खियां मिल जाती हैं जिन सुर्खियों के आधार पर वो कांग्रेस का गरिबान पकड़ करके उछाल देते हैं। बात यह होती है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आता है, आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आता है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर देने का, लेकिन इसके बाद जिस तरह वो ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाती है आचार्य प्रमोद कृष्णन के खिलाफ। जो आने वाला आप वीडियो देखेंगे वो वीडियो उन सारे सोशल मीडिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा है जो गुस्सा आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ खुल करके निकल पड़ा है। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम को ये बयान देना भारी पड़ेगा या कांग्रेस से उनको निकाल दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि प्रियंका गांधी के खेमे के कहे जाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या प्रियंका गांधी उनसे उनके इन बयानों पर इस्तीफा मांगेंगी, क्या इनके खिलाफ कांग्रेस कोई एक्शन लेगी? चलिए इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए देखिए ये वीडियो जो कार्यकर्ता और सोशल मीडिया के लोगों के आक्रोशों को देखते हुए बनाया गया है। और दिग्गी राजा के लिए तो काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि दिग्गी राजा ही वो नेता हैं जिन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस में वो जगह वो इस्तकबाल दिलवाया जिसके वो शायद हकदार नहीं थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। एक बार मेरे पास सुबह से कई बार फोन आए कि साहब आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, ये इनकी तो आप बड़ी तारीफ करते थे। हाँ तारीफ करते थे, बहुत तारीफ करते थे, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आचार्य प्रमोद कृष्णन के पिछले दिनों से देखने को मिल रही है वो माफी के काबिल तो कतई नहीं है। और दिग्गी राजा के लिए तो काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि दिग्गी राजा ही वो नेता हैं जिन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस में वो जगह वो इस्तकबाल दिलवाया जिसके वो शायद हकदार नहीं थे। वेरी सॉरी टू से कि आचार्य प्रमोद कृष्णन वो आदमी हैं जिनका चेला जो है शामिल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, शहजाद पूनावाला। जी हां, आज ये खुलासा कर रहा हूं, सबूत मेरे पास भी है, डाल दूंगा अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन चाहेंगे तो। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब को केवल झेलते इसलिए रहे, कभी प्रियंका गांधी के पाले में बैठ गए, कभी राहुल गांधी के पाले में बैठ गए, सियासत को मैनेज किया और सियासत को मैनेज करने के चक्कर में कोई चुनाव ना जीत पाए। देखिए ना, भौंकते वो हैं जिनके दांत नहीं होते, और आचार्य प्रमोद कृष्णन जिनको कांग्रेस ने इतनी इज्जत बख्शी, इनके बारे में यूपी का एक एक पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता जानता है ये क्या थे और क्यों थे, किस लिए पहुंचे। तो अपनी जुबान खोलने से पहले सोच लें, वो बहुत लोग जिंदा हैं जो इनको सोशल मीडिया पर नंगा कर देंगे। कांग्रेस के खिलाफ बोलने से पहले या कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोलने से पहले कुछ सोच लिया करें। द्रौपदी मुर्मू का ये समर्थन करते हैं तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन से क्वेश्चन करता हूं, आचार्य साहब लोकतंत्र और संविधान जिंदा रखना है या मोदी के कदमों में समर्पण कर देना है या पैसे के लिए समर्पण कर देना है? आप तो विवादित जवी बन गए थे, जो कौन सी माता थी वो सिंदूर विंदूर पहन के आई थी संभल के मंदिर में, आप तो अमर सिंह जैसे नेता बन के रह गए और कुछ नहीं रह गए। कांग्रेस आपको सम्मान दे रही थी, प्रियंका गांधी की टीम में रहने के बाद प्रियंका गांधी को अपमानित करते हो, बयान देते हो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, मोतीलाल नेहरू का नाम बदनाम करते हो, यहां लड़ाई चल रही है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की, और तुम
मोदी को समर्थन करते हो तो तुम्हें कभी कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता माफ नहीं करेगा। इमीडिएटली राहुल गांधी डिसाइड करें या सोनिया गांधी डिसाइड करें कि इनको एक्सपेल किया जाना चाहिए उस पार्टी के साथ जिसकी जिसकी जिसका विश्वास और जिसकी निष्ठा संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। क्या आचार्य प्रमोद कृष्ण से पूछ के फैसला लेगी कांग्रेस कि किसको समर्थन करना है किसको नहीं करना? क्या इनकी औकात है इतनी कि कांग्रेस को सलाह दे सके कि मोतीलाल नेहरू और नेहरू का नाम लेकर के अपनी बदजुबान से उनका नाम गीला करने की? आचार्य प्रमोद कृष्णन, तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो क्या कांग्रेस में घुसे हुए संगी? तुम्हारी उतारनी तो बहुत बाकी है, कहना भी चाहता हूं। हुआ क्या था, मैं एक खबर ही पढ़ता हूं। मेरा गुस्सा क्यों था? मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए था कि बुधवार की रात को भाई साहब ने ट्वीट किया था कि मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। घंटा नहीं पता तुम्हें राजनीति के बारे में? यहां लड़ाई चल रही है संविधान को बचाने की और तुम द्रौपदी मुर्मू के पीछे यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हो। मतलब यहां खाने को कुछ नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो तुम्हें रोका किसने है वे? और तुम्हारे कितने विधायक हैं वे जो तुम्हें इज्जत मिल जाएगी? बस कांग्रेस के खिलाफ तुमने बयान दे दिया तो बीजेपी तुम्हारे बयानों का और गोदी मीडिया तुम्हारे बयानों का जिक्र अपनी खबरों में करेगी। इससे ज्यादा क्या उखाड़ोगे कांग्रेस का? तुम्हारी तो जयराम रमेश ने उतार दी थी। जयराम रमेश जी ने बोल दिया था तुम्हारे उस बयान पर जिसपे तुम सलाह दे रहे थे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को। तुम्हारी औकात जब ही पता चल गई, तुम्हारी औकात जब पता चल गई, तुम्हारा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तुम गाली दे रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी को। यार तुम्हारी इतनी गलतियां छुपाई हजूरे आला, तुम तो भगवा पहन करके कत्ल कर देते हो हजारों लोगों का। तुम्हें सत्ता से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार नहीं। तुम्हें पैसे से प्यार है, इंसान से प्यार नहीं। तुम क्या जानो आचार्य प्रमोद कृष्णन देशभक्ति की कीमत? जान देनी पड़ती है, जेलें काटनी पड़ती हैं, हिसाब किताब देना पड़ता है इस मुल्क की जनता को। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने अपने समर्थकों के साथ कभी मोर्चा निकाला होता महंगाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर? आपने प्रियंका गांधी की आड़ में प्रियंका गांधी की बेइज्जती नहीं की है, क्योंकि आप प्रियंका गांधी के खेमे के आदमी समझे जाते हो। तुमने पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को बेइज्जत किया है, दिग्गी राजा को बेइज्जत किया है, तो तुम्हें तो कभी माफी मिलेगी नहीं तुम्हारी गद्दारी पर। तुम्हें उतार भी दिया जयराम रमेश ने जब आपने बोला प्रमोद कृष्णन नहीं है कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता, मैं परमानेंट हूं, इनकी कोई औकात नहीं है। जयराम रमेश ने इनको उतार दिया था। हम भी कभी कभी बेलगाम होकर के बोल जाते हैं, लेकिन इस तरह की गुलामी हमें मंजूर नहीं जिस तरह की गुलामी तुमने करनी मंजूर कर ली। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में तुमने देश को बेचने की तैयारी कर दी, तो प्रमोद कृष्णन तुम कांग्रेसी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तुम्हें पार्टी से निकाला जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये थे मेरे विचार। अपने विचार हो सकते हैं, अगर मेरे विचारों से आप लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णन का आदर मैं भी करता था लेकिन सम्मान एक तरफा टूट गया, दिल टूट गया ट्वीट देख करके, पता नहीं कैसे कैसों को मिला है, कैसे कैसों को मिलेगा। चलिए, ये सियासत है, सियासत को हम नहीं समझ पाएंगे। सियासत बड़ी कड़वी होती है और कड़वी जमीन पर चलने वाली सियासत के शब्दों की बौछार भी कड़वी होती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।